हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉइन्स कॉइन्स के बारे में। अब कॉइन्स के बारे में कैसे, जैसे एक बार कॉइन टॉस करते हैं तो क्या क्या केस होंगे, दो बार कॉइन टॉस करते हैं तो क्या केस होंगे, तीन बार चार बार करते हैं तो कितने केस बनेंगे और क्या क्या केस बनेंगे। अब सबसे पहले एक बार कॉइन, अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूँ, सिर्फ एक कॉइन है, अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं तो क्या केस बनेंगे मेरे, तो इसमें जो केस बनेंगे या तो हेड बनेगा या टेल बनेगा। तो टोटल आउटकम हमारे कितने बन जाएंगे, टू। इसके बाद अगर दो कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं, अगर दो कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या केस बनेंगे, HH, HT, TH, TT। तो टोटल आउटकम कितने हो गए, टोटल आउटकम हो गए हमारे पास फोर। ऐसे ही अगर तीन कॉइन को टॉस करते हैं तो देखो टोटल केस कितने बनेंगे, तो इसका जो फार्मूला होता है ये होता है 2n। अगर जितने कॉइन है टॉस किया जा रहा है तो टोटल केस आउटकम के फार्मूला क्या है, 2n। n का मतलब नंबर ऑफ टॉस, तो इस केस में 2n लिखा था 2 आ गया। इस केस में दो बार उछाला है तो 2n, तो 4 हो गया। तो इसमें तीन कॉइन को उछाला जा रहा है, एक कॉइन इज टॉस 3 times या 3 coins टॉस एक ही बात है, ठीक है। तो तीन कॉइन को जब उछाला जा रहा है तो 2n 3 मीन्स 8, टोटल 8 केस। तो कौन कौन से केस बनेंगे, वो HHH, HHT, HTH, THH और TTT, THT, HTT और TTH, ये केस बन गया हमारे। टोटल कितने केस बनेंगे, 8। अब इसमें देखो आता क्या क्या है, जैसे मैं दो कॉइन के बारे में बात कर रहा हूँ, पहला पार्ट देखो क्या बनेगा, एग्जैक्टली टू हेड, एग्जैक्टली टू हेड, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली टू हेड का मतलब सिर्फ दो ही हेड होने चाहिए, तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिर्फ दो हेड कितने बार है, एक बार है, तो 1/4। और इस पार्ट के लिए अगर मैं बात करूं, थर्ड वाले के लिए बात करूं, एग्जैक्टली टू हेड, तो इसमें एग्जैक्टली टू हेड देखो कितने बार है, सिर्फ दो ही हेड होने चाहिए, तीन नहीं चाहिए, सिर्फ दो हेड होने चाहिए, बाकी कुछ भी हो। तो देखो यहाँ तीन हेड है नहीं लेंगे, यहाँ तीन टेल है नहीं हो गया, दो टेल है, हेड एक ही है, यहाँ भी हेड एक है, यहाँ भी हेड एक है, ये भी नहीं लेंगे। यहाँ पे देखो 2H, यहाँ भी 2H, यहाँ भी 2H, तो कितने एग्जैक्टली टू हेड कितने टाइम्स है, 3 times, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। अच्छा जी, सेकंड पार्ट में देखता हूँ, मैं कह रहा हूँ नो टेल, टेल नहीं होनी चाहिए, टेल नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब सारे के सारे हेड होने चाहिए। तो अगर कॉइन को दो बार उछाल रहे हैं तो नो टेल, टेल नहीं होनी चाहिए, मतलब हेड होने चाहिए, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 1/4। नो टेल का मतलब हेड, सिर्फ हेड ही होने चाहिए, तो वो कितने बार है, सिर्फ एक बार है, HHH, तो वो कितने केस, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/8। ऐसे ही देखो एग्जैक्टली हो गया, नो हो गया, अब जो मेन है इसका एट लीस्ट, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ये है, एट लीस्ट वन हेड। देखो एट लीस्ट का मतलब है कम से कम एक हेड, एट लीस्ट वन हेड का मतलब है कम से कम एक हेड, तो एक हेड भी हो सकता है, दो हेड भी हो सकते हैं, तीन हेड भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, अगर जितनी बार टॉस किया तो उसके हिसाब से कम एक हेड तो देखना ही है, दो हेड वाला भी काउंट करना है, तीन हेड वाला भी, चार हेड वाला भी, पांच हेड वाला भी, उससे एक से ज़्यादा सारे काउंट करना है, एक या एक से ज़्यादा सारा काउंट करना है, तो एट लीस्ट, अब यहाँ देखो एट लीस्ट वन हेड, तो वन हेड एक और ये दो हेड वाले भी, तो टोटल कितने हो गए, 3/4। अब यहाँ देखते हैं एट लीस्ट वन हेड मतलब एक हेड वाले भी, तो ये तीन हो गए, दो हेड वाले भी, तीन ये 6, तीन हेड वाले भी 7, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/8, तो ये हो गया एट लीस्ट। इसके बाद आगे बारी एट मोस्ट। अब एट मोस्ट टू हेड, देखो एट मोस्ट का मतलब है
या वन हेड ले लेता हूँ, एटमोस्ट वन हेड, एटमोस्ट वन हेड का मतलब है वन हेड या नीचे जीरो तक। एटमोस्ट में जितना भी दे रखा, मान लो टू हेड दिया होता तो हम लेते टू हेड भी, वन हेड भी, जीरो हेड भी। तो यहाँ क्योंकि वन हेड दिया है तो इसका मतलब वन एंड जीरो दोनों काउंट होंगे। एट लीस्ट वन दे रखा है तो वन टू से आगे जितना सारे काउंट होंगे। एटमोस्ट में वन हेड दे रखा है तो वन से जीरो तक सारे काउंट होंगे। देखो एटमोस्ट वन हेड कि ज़्यादा से ज़्यादा एक, कम भी हो सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, एक दो और जीरो भी वाला भी हो सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/4। अब यहाँ पे आते हैं, एटमोस्ट वन हेड, एटमोस्ट वन हेड। तो देखो एटमोस्ट वन हेड में क्या क्या काउंट करेंगे, एटमोस्ट वन हेड में काउंट करेंगे वन हेड भी, जीरो हेड भी। तो देखो वन हेड कितने बार है, एक दो तीन, तीन बार वन हेड, जीरो हेड एक बार, तो टोटल कितने हो गए, फोर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/8, दैट इज़ 1/2, दैट इज़ 1/2। तो ये प्रोबेबिलिटी मेन है इनके ये सैम्पल स्पेस पे। अब ये सैम्पल स्पेस एक तो या तो आपको याद होना चाहिए, नहीं तो मैं इसकी एक ट्रिक और बता देता हूँ कि सैम्पल स्पेस बनाते कैसे हैं। कि उसके बाद तो फिर ये एटलीस्ट, एटमोस्ट और एग्जैक्टली पे थोड़ा सा ध्यान रखना। एटलीस्ट वन हेड का मतलब है वन या उससे ज़्यादा, एटमोस्ट में जो भी दे रखा है वो नंबर, उससे कम वाले जीरो तक, और एग्जैक्टली में तो वही एग्जैक्टली वही नंबर होना चाहिए, इसके अलावा ना तो उससे ज़्यादा चाहिए ना उससे कम चाहिए। अब देखो मान लो मैं कॉइन को दो बार टॉस कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे केस पता होने चाहिए। अगर कॉइन को मैंने दो बार टॉस किया तो केस क्या क्या बनेंगे, देखो टोटल केस बनेंगे मेरे फोर, मैंने यहाँ लिख दिया 2^2, 4। अब आपने क्या करना है, इस टू जो भी नंबर आ जाए उसका हाफ करना है, तो कितना आ गया 2, इसका भी हाफ करोगे कितना आ गया 1। पहले कॉइन को दो बार उछाला तो 2^2, टोटल केस कितने बनेंगे, आउटकम 4, तो 4 का हाफ उसका भी हाफ। तो देखो ये एच 2 लिया है ना, 2 है, तो इसका मतलब दो बार एच, दो बार टी। 1 का मतलब है एक एक, एक एच एक टी, एक एच एक टी, ये हमारे केस बन गए। अगर बाय चांस यहाँ कहीं अटक जाओ कि आपसे चारों नहीं बन रहे हैं या 8 के 8 केस नहीं बन रहे हैं, तो ये तरीका है 2^2, 4, 4 का हाफ 2, फिर 2 का हाफ 1, 1 तक जाना है। अब ऐसे ही मान लो 3 बार उछाला तो 2^3 कितना हो गया 8। अब 8 का हाफ कितना होगा, पहले इसका हाफ 4, इसका हाफ 2, इसका हाफ 1, तो बेटा 4 का मतलब है 4 के पेयर। 4 के पेयर कैसे, 4 बार एच, 1, 2, 3, 4, फिर 4 बार टी, 1, 2, 3, 4, 8 केस हो गए। देखो 2 का मतलब 2 के पेयर एच एच टी टी एच एच टी टी, फिर 1 का मतलब 1H1T, 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 तो ये हमारे 8 केस हो गए। ऐसे ही अगर बाई चांस हमारा 4 टाइम्स टॉस किया जा रहा है 2^4, तो ये कितना बनेगा 16, तो 16 का हाफ 8, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1, तो मतलब 8, 8 टाइम्स एच, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे ही फिर 4 है तो 4, एच 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 एच, 50, टी टी टी, फिर एच 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 एच, 50, टी टी टी, ऐसे 2 है तो 2 के पेयर एच एच टी टी, फिर एच एच टी टी, ऐसे ही फिर 1 का मतलब 1H1T, 1H1T, 1H1T। तो ये हमारा इसका तरीका कि बाई चांस कई बार ना ये जब 8 केस बनाते हैं तो ये 8 नहीं बनते, 6 बन जाएंगे, 7 बन जाएंगे, जब 8वां नहीं पता चलेगा तो बेटा ये सबसे इजी मेथड है इसका, इसके सारे केस निकालने के बाद। उसके बाद तो फिर आपको बस वो ध्यान रखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली निकाल रहे हो प्रोबेबिलिटी या एटलीस्ट की निकाल रहे हो या एटमोस्ट की। ठीक है बेटा, ये हो गए कॉइन के बाद। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।